हेलो एवरीवन, पंजवीं क्लास के सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे अपने चैनल आई थिंक विच। बच्चों, जिस दे विच मैं सिक्ख्यादायक वीडियोज़ तुहाडे सिलेबस के वीडियोज़ लगातार जिहड़े है पोस्ट करदा हाँ। तुहाडे नाल बैठे माता पिता, तुहाडे अते वड्डे भैण भरा, दोस्त मित्र भैण भरा जिहड़े इस वीडियो नूं देख रहे ने, उन्हां दा बहुत बहुत स्वागत है। अते मेरे बहुत ही सत्कारयोग अध्यापक साथी हर बार की तरह जिन्होंने वीडियो शेयर करना है, उन्हों का मैं ऋणी हाँ कि वह अपने बच्चों तक कंटेंट जोड़ा है लगातार भेज रहे हैं। प्यारे बच्चों, कोरोना वायरस के चलद घर में ही रहना है, सेफ सुरक्षित रहना है, बाहर नहीं निकलना, मास्क की वरतों करनी है, हाथों में लगातार सैनिटाइज करते रहना है और सोशल डिस्टेंस जोड़ा है बना के रखना है। इस तकीद के नाल हदायत के नाल ही आप शुरू करते हैं। जिहड़ा असी कल चैप्टर नंबर 3 के पहले 10 प्रश्न किए थे, पाठ का नाम से चाइल्ड एंड ग्रैंडमा, और ग्रैंडमा जिहड़ी पोइम है चाइल्ड एंड ग्रैंडमा, ये असी पहले 10 प्रश्न जिहड़े सी कर ले सी। सो राइट अवे मैं तुहानू सीधा 11वें प्रश्न ते लैके जा रहा। यह साढ़े को 11वां प्रश्न, इसनों शुरू करते हैं। रोहन एंड डैश फ्रेंड्स विल प्ले द मैच। रोहन अते उसदे मित्र, सो रोहन एंड दे फ्रेंड, हिम फ्रेंड, हिज फ्रेंड के ही फ्रेंड। हमेशा बेटा याद रखो जो रोहन सिंगुलर है तो अगे वो नाल ही हिज आएगा, भावें अगे फ्रेंड्स भी लगा हुआ है, सो इसका आंसर आएगा हिज। ठीक है, रोहन एंड हिज फ्रेंड विल प्ले द मैच। रोहन अते उसके जिहड़े मित्र ने, दोस्त ने, वो मैच खेडणगे। ठीक है, सो राइट आंसर इज सी हिज। अगे है क्वेश्चन नंबर 12। टिक द इनकोरैक्ट स्टेटमेंट, जिहड़ा वाक जिहड़ी स्टेटमेंट गलत है उसनों आपां टिक करना है। सो सारियां पहलों आपां स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ही इज़ वैरी बिजी, वह बड़ा रुझिया होया है। दे इज़ वैरी बिजी, वो बड़ा रुझा हुआ है। हुण दे नाल इज़ नहीं लगता जां इज़ नाल दे नहीं लगता, बेटा सानूं पता है इहनूं तुसीं राइट अवे हुणे ही आपां इनकोरैक्ट कर दिंदे हां, शायद यही सही आंसर होवे। अगे देख लैंदे हां, शी इज़ वैरी बिजी, शी नाल इज़ लगता है, ठीक है। वी आर, हाँ वी नाल आर लगता है, वैरी बिजी, असीं सारे बड़े बिजी हाँ। सो फिर राइट आंसर की होया बी, जिहड़ा कि गलत है। ठीक है, उन्होंने पूछा कि गलत दसनी स्टेटमेंट। सो दे नाल इज़ नहीं लगता, दे नाल आर लगता, प्लूरल नाल हमेशा आर की वरतों कंटीन्यूअस होंदी है। ठीक है बेटा, इस तो अगे है क्वेश्चन नंबर 13। चूज़ द इनकोरैक्ट स्टेटमेंट, ये आप गलत स्टेटमेंट गलत वाक लभना कि ही हैव फ्रैश फूड। ही नाल की लगता, हैव लगता है कि नहीं, दसो। इस तरह ही दे हैव, दे ना तो हैव लगता बेटा, प्लूरल नाल हैव लगना ही लगना। दे हैव फ्रैश फूड, ये भी बिल्कुल सही है। वी हैव फ्रैश फूड, वी नाल हैव लगता है। आई नाल भी हैव लगता, आई हैव फ्रैश फूड, तो की नहीं लगता कि हैव नहीं लगता बेटा, ही नाल हैज़ लगता है। ठीक है, सिंगुलर है ही नाल हैज़ लगना है, आई अते प्लूरल नाल हमेशा हैव लगता है। ठीक है बेटा, शायद तुहानू याद आ गया होगा, आई एंड प्लूरल नाल हमेशा हैव लगता है, ही शी इट नाल हैज़ लगता है। सो ये गलत है पहली स्टेटमेंट, जिहड़ी कि ही नाल हैव लाया होया है, ही नाल हैज़ लगना सी, ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, अगे है क्वेश्चन नंबर 14। द डॉग इज डैश द टेबल। अच्छा, जिहड़ा डॉग है, डॉगी है, कुत्ता है, वो टेबल दे किथे बैठा है? ठीक है, नीयर, नेड़े बैठा है टेबल दे, ऑन टेबल दे उत्ते बैठा है, आफ्टर टेबल दे बाद च बैठा है, कि अंडर कि टेबल दे थल्ले बैठा है। सो बिल्कुल नज़र आ रहा सारे, बिल्कुल सिंपल है, सौखा है। आंसर इज़ डी, द डॉग इज़ अंडर द टेबल। कुत्ता कितने बैठा है? अंडर द टेबल। अगे है क्वेश्चन नंबर 15। एज सिस्टर इज़ टू ब्रदर, डॉटर इज़ टू, जिस तरह कि सिस्टर का जोड़ा है जेंडर जोड़ा है वो ब्रदर है, इस तरह ही डाटर का की जेंडर होएगा? ठीक है, सो डाटर का जेंडर की बनेगा?
जिस तरह सिस्टर का ब्रदर है तो डॉक्टर का सन होएगा, ग्रैंडफादर होएगा, मदर होएगा कि ब्रदर होएगा? दसो, डॉक्टर का हमेशा बेटा सन होएगा, पुत्र का पुत्री, जिस तरह कि भैन का भरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, चूज़ द प्लूरल ऑफ चाइल्ड। ये शायद पहले भी आप कर चुके हैं किसने किसी वर्कशीट दे विच कि चाइल्ड का प्लूरल की होंदा, चाइल्डस नहीं होंदा, चाइल्ड्स नहीं होंदा, चाइल्डस भी नहीं होंदा, चिल्ड्रस नहीं होंदा, चिल्ड्रन होंदा। ठीक है, चिल्ड्रन इज़ द राइट आंसर। अगे है बेटा क्वेश्चन नंबर 17, चूज द इनकरेक्ट पेयर। ये आप गलत जोड़ा जोड़ा चुनना है। कम केम, गैट गैट, कैच काउट, ब्रेक ब्रोक। सो ये बड़ा ध्यान ना वेखो बेटे, ये की है गलत ऑप्शन किदा लभनी आप कि सारे वर्ब की फॉर्म्स ने फस्ट फॉर्म तो सैकंड फॉर्म हर एक नाल जुड़ी हुई है। जिस तरह कम की सैकंड फॉर्म है केम, कैच की दूजी फॉर्म है काउट, ब्रेक की दूजी फॉर्म है ब्रोक। सो गैट गैट जी है ये भी गैट गॉट हों। ठीक है, गैट गॉट गॉट। सो ये गलत है, सो इतने आप टिक लावे आंसर इज बी। अगे बेटा क्वेश्चन नंबर 18, रीड एंड आंसर, इसको पढ़ो अते उत्तर दो। टेस्टी फूड शॉप, एक फूड शॉप है उसका नाम है टेस्टी फूड शॉप। आज दी जी आइटम ने, आज जी जी समान उतों मिलेगा शॉप तो वो लिखा हुआ है, सैंडविच मिलेगा, कटलट्स मिलने, कुकीज मिलने, बर्गर मिलने। दसना है विच फूड आइटम यू विल नॉट गैट टूडे। इन्हों के फूड आइटम है कि खाने वाली चीज़ है जी थानू अज नहीं मिलेगी। उपर मैन्यू लिखा है कि तुम सैंडविच मिलने, कटलट्स मिलने, कुकीज़ मिलने, बर्गर मिलने, कि चीज़ नहीं मिलेगी। सो कुकीज़ मिलने, हाँ कुकीज़ है ने उत्ते, देखो ठीक है कुकीज़ मिलने। नूडल्स मिलने, हाँ नूडल्स नहीं है। ठीक है, सो नूडल इज़ राइट आंसर, न्यूडल्स इस शॉप तो अज नहीं मिलने। कटलट्स भी मिलने तो सानू जिहड़े सैंडविच भी मिलने। अगे है प्रश्न नंबर 19, चूज़ द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। अगे एक वाक दिता गया है उहदे विच आपां वर्ब चूज़ करनी किहड़ी है। सो मैं तुहानू दस्सिया सी कि बेटा सेंटेंस नूं बनाउण लई तीन आइटम्स की जरूरत पैंदी है, वो तीन आइटम्स किहड़ियां ने फिर तो नोट करो। सब तो पहला हुंदा सब्जेक्ट, फिर हुंदा वर्ब और फिर हुंदा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट की है कोई भी नाउन हो सकता, ही शी इट हो सकता, प्रोनाउन भी हो सकता, किसी का नाम भी हो सकता, तो प्रोनाउन भी हो सकता ही शी इट दे वी यू। ठीक है, और वर्ब की है एक क्रिया होंदी है, इस तो पता लगता है कि काम किहड़ा हो रहा है, गो कम टेक ईट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की होंदा कि बारे गल हो रही है। ठीक है, जिहदे बारे गल हो रही है, जिस तरह गल हो रही है कि मैं खाना खावांगा, फूड, आई विल ईट फूड। सो आई शैल ईट फूड या आई विल ईट फूड। सो यदा फूड की होएगा फिर ऑब्जेक्ट होएगा, क्योंकि असी पहुँचना कहते हैं खाने पर, असी की खाना है खाना। ठीक है, लेकिन खाना की है खाना है, खाना मतलब ईट, ईट की होगी वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट हो गया फूड, जिहड़ी चीज़ असी प्राप्त करनी है, जिहड़ी चीज़ साडा निशाना है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इत्थे फिर दसो की आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। सॉरी 19 आपां कर रहे हैं, सॉरी ये आपां की करना है, सेंटेंस पढ़ते हैं, ही लिव्ड इन ए बिग वर्ल्ड। ये आपां वर्ब चुनना है। ठीक है, सो वर्ब कित्थे है, जितों किरिया काम होने का पता लगे, ही लिव्ड वो रह रहा है। ठीक है, लिव्ड ही हो गया, ये सब्जेक्ट लिव्ड वर्ब हो गया, और वर्ल्ड जिहड़ा है बिग वर्ल्ड जिहड़ा है वर्ल्ड कल्ला जिहड़ा है ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है,
वर्ब फिर किड़ा होएगा लिव्ड। ठीक है, अगे है क्वेश्चन नंबर 20। चूज द करैक्ट ऑप्शन एंड फिल द ब्लैंक्स। ये आप करैक्ट ऑप्शन भरनी है तो इस खाली थानू भर देना। वाक पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं। वी डैश वेरी बिजी ऑन ट्यूजडे। असी मंगलवार को काफ़ी बिजी हाँ, तो वी दे नाल की आता हमेशा इज़ आएगा, नहीं प्लूरल नाल इज़ नहीं आता। वाज वाज आएगा, नहीं वी नाल हमेशा वार आएगा अगर आना भी होए। वी नाल हैज़ आएगा, नहीं वी नाल हमेशा हैव आता प्लूरल नाल, ये आएगा वी आर। सो राइट आंसर इज डी, वी आर वेरी बिजी, प्लूरल नाल आर आएगा जां वार आएगा। ठीक है, सो राइट आंसर इज डी। सो इसी बेटा थोड़ी वर्कशीट नंबर 3 जिहड़ी असीं भाग 2 दे विच अज कंप्लीट की। आई होप कि तुहानू चंगी तरह की समझ आ गई होएगी। तुसीं घर बैठ के इसकी दोहराई करनी है, पाठ नूं घट्टो घट्ट 2-3 वारी पढ़ो, फिर इसकी एक्सरसाइज करो, उस तो बाद वर्कशीट की एक्सरसाइज करो, तुहानू कदे भी नहीं भुलेगा। पाठ नंबर 3 तुहाडे जहन ते हमेशा लई बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। रीकॉल करोगे तो फटाफट तुहानू याद आ जाएगा कि सेंटेंस मेकिंग, वर्ब फाइंडिंग, ऑप्शन चुननी होए, ठीक है, सेंटेंस मेकिंग करनी हो, हर चीज़ तुहानू जिहड़ी है ईजी हो जाएगी। सो अध्यापक साथियों को बेनती है कि वीडियो शेयर करना ना भुल्यो। 5वीं क्लास के बच्चे ने, हर बच्चे तक इसनों पहुँचाओ ताकि हर बच्चा अगे पहुँचा के इसनों सर्कुलेट करके जिहड़ा है अपना काम कर सके, अपने दोस्तों मित्रों भैन भरा रिश्तेदारों दसे और इस वीडियो देख के जिहड़ा है वो दोहराई कर सके, काम कर सके, एलओ की तैयारी कर सके, पॉस की तैयारी कर सके। सो वीडियो इतों तक ही, अगली वीडियो फिर मिलेंगे। सारे का बहुत बहुत धन्यवाद, सारे सत श्री अकाल।